पंकज आप मुझे अचानक क्यों लाए? गौतम जी आपको ये बताना था कि आप मूड में नहीं हैं। मुझे पता है डॉक्टर साहब, मैं आजकल बिल्कुल भी मूड में नहीं रहता। मेरा मतलब है कि आपको मूड की बीमारी नहीं है, आप एकदम ठीक हैं। क्या क्या कहा आपने? हाँ, जब हमने आपका दोबारा ब्लड टेस्ट करवाया हाँ? तो पता चला पहले वाले ब्लड टेस्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गड़बड़ हुई थी। हाँ? आप घड़ी की तरह फिट है। You are absolutely fine. चार्ज एकदम ठीक है। क्या क्या कहा आपने? हाँ, जब हमने दोबारा आपका टेस्ट करवाया तो पता चला कि पहले वाले टेस्ट में कुछ फॉल्ट की वजह से गड़बड़ हो गई। अच्छा, आप घोड़े की तरह एकदम फिट है। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। क्या दे? बहुत सही। चुया खड़ी है पास में। आज पहली बार जेठ जी को इतने पास से पाया लागू करते हुए देख रहे हैं। डरते रहते सर 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 कैमरा बाबू जी एकदम पास से पैर छूकर पाया लागू। चुया बोल दिए, आज पहली बार जेठ जी को इतने पास से पाया लागू करते हुए देख रहे हैं। डरते डरते क्या कर रहे हैं पापा, बाल खराब हो रहे हैं। बाबूजी बोल जाए, गोटा सब ठीक है ना बेटा, इतनी नजदीक से पाए लागू। हाँ बाबूजी, मैं सोच रहा था दूर से पाए लागू में कहीं आपसे बहुत दूर ना निकल जाऊं। गोटा सब ठीक है ना बेटा, इतने नजदीक से पाए लागू। हाँ बाबूजी, मैं सोच रहा था दूर से पाए लागू में कहीं आपसे बहुत दूर न रह जाऊं। खैर, आज बहुत संतुष्ट हूं मैं, इसलिए पास से पाए लागू। गोमुख और कपी आते हैं। कपी, टेंशन टाइट, होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। भैया आप इतनी जल्दी रेलवे स्टेशन क्यों जा रहे? हाँ कपी, कुछ काम है। लेकिन सुन, वो श्याम सिंह है ना जो केले का ठेला लगाता है, उसको मैंने 2000 रुपये उधार दिए थे। आते जाते उसके केले खाते रहना, उधार पैसे डूबने नहीं चाहिए। उधर से गोमुख बोलता है, चलिए भैया मैं आपको स्टेशन छोड़ता हूँ। जिस स्टेशन पे मुझे जाना है गोमुख, वहाँ तेरा स्कूटर नहीं जाएगा। वहाँ जाने के लिए एक भैंसे वाला आता है, भैंसे वाला लेने आता है। सॉरी,
चुकी हूँ वहाँ से, मुझे जाना है ना गोमुख, वहाँ तेरा स्कूटर नहीं जाएगा। वहाँ जाने के लिए एक भैंसे वाला लेने आता है। बाबूजी उठ जाते हैं। हरिओम हरिओम गोटक, सच बता तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ बाबूजी, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा किया। हेलो लेना है, क्या हुआ है बाबूजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा किया है। अब फिक्र की कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। मयूरी बोलती है नीचे से, बार बार संतुष्टि की बातें कर रहे, लगता है संतुष्ट जीवन बीमा कराया इन्होंने। कोयल बोलती है, हाँ वो ऐड भी तो आती है, बीमा कराओ और संतुष्ट हो जाओ। हाँ हाँ और सर रोलिंग, सॉरी 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 रोलिंग सर। हाँ वो ऐड भी तो आती है ना, बीमा कराओ और संतुष्ट हो जाओ। बिल्कुल सही कहा तुमने, वाइफ के लिए एक स्पेशल प्लान था जिसमें पति के बाद पत्नी को एक नया जीवन साथी मिलता है। क्या क्या बोला आपने? मतलब बीमा जिसमें सॉरी जिसमें क्या क्या बोला आपने? मतलब बीमा पति के बाद पति की सैलरी जितनी इनकम हर महीने मिलती है। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो कोयल, शाम को अच्छे से तैयार होना। मयूरी बोलते है, लगता है जेठ जी दीदी को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और सुनो कोयल, शाम को अच्छे से तैयार होना। मयूरी लगता है जेठ जी दीदी को पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं। अच्छा? नहीं मयूरी, पिक्चर तो अब खत्म हो रही है। लगता है जेठ जी दीदी को पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं। अच्छा? नहीं मयूरी, पिक्चर तो अब खत्म हो रही है। आप सब लोग भी तैयार है ना? यहाँ से बाबूजी बोलते, लेकिन क्यों, किस लिए? वो मैं शाम को ही बताऊंगा। ग्रेट कार्ड ओके चलिए सर रेडी और सर बस बस मंत्र बात रोलिंग सर। क्या देना देख लो, कुछ है किसी का नहीं है अभी? नहीं थर्मा वाइट है। और सर रोलिंग सर एक्शन।
एक्शन ओके गुड बाय आप गधा के साथ रुक रुक सब्जी क्या फ्री में लेकर आएगा पैसे तो लेके जा ओह सॉरी भाभी हम तो भूल ही गए थे ये ले एक मिनट क्या बात है बड़ा सच तज के जा रहा है सब्जी वाली को दिखाना है भाभी अच्छा ठीक है जी क्या है अच्छा ठीक अच्छा समझ में आया है ना क्या क्या लाना है भाभी अच्छा ठीक है समझ गई तुझे समझ में आया ना क्या क्या लेके आना है हाँ आ गया समझ में भाभी क्या क्या लाना है ओके बाय हम तो चले शॉपिंग करते करते वॉकिंग चलो